हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था टाइगर रिजर्व और आज हम कवर करेंगे एलिफेंट रिजर्व्स। एलिफेंट रिजर्व में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एलिफेंट डे। एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 अगस्त को या वर्ल्ड एलिफेंट डे। और इसके बाद एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में क्या डिफरेंस होता है? जैसे आपके सामने एक पिक्चर है, ये एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट। जो एशियन एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू अफ्रीकन एलिफेंट। मतलब जो एशियन एलिफेंट है वो छोटे होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट से। जो इसके टस्क होते हैं, एशियन एलिफेंट के जो टस्क है ये प्रेजेंट होते हैं ओनली मेल्स में। जो मेल एलिफेंट है सिर्फ उनमें टस्क प्रेजेंट होगा, मतलब जो दांत। और जो अफ्रीकन एलिफेंट है, अफ्रीकन एलिफेंट मेल और फीमेल दोनों में ही टस्क प्रेजेंट होते हैं। जो इनके जो टस्क हैं एशियन एलिफेंट के वो नीचे की तरफ होते हैं, और जो अफ्रीकन एलिफेंट है इनके जो टस्क हैं वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होते हैं। और इनकी जो ईयर्स हैं, जो एशियन एलिफेंट के जो ईयर्स हैं ये भी छोटे होते हैं एज कंपेयर टू अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट को जो ईयर्स हैं वैसे हैं जैसे हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। माना जाता है कि जो अफ्रीकन एलिफेंट है उसका जो ईयर की जो शेप है वो बिल्कुल सेम है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जैसी। और उसके बाद IUCN स्टेटस क्या है? IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN स्टेटस में हर एक एनिमल को एक स्टेटस दिया जाता है कि वो वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, या एक्सटिंक्ट है, या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ऐसे ही एशियन एलिफेंट का जो IUCN स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है, और अफ्रीकन एलिफेंट का जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। जो सब कुछ मैंने आपको बताया वो यहाँ पर भी लिखा है। जैसे एशियन एलिफेंट आर स्मॉलर देन देयर अफ्रीकन कजन्स एंड देयर ईयर्स आर स्मॉलर कंपेयर टू द लार्ज फैन शेप्ड ईयर ऑफ द अफ्रीकन स्पीसीज। उसके बाद ओनली सम मेल एशियन एलिफेंट हैव टस्क वाइल बोथ मेल एंड फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट ग्रो टस्क। इसको आप पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको पढ़ाया है वही सब कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद हम देखेंगे एलिफेंट कॉरिडोर। एलिफेंट कॉरिडोर क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में टोटल एलिफेंट कितने हैं। हम सिर्फ वो एलिफेंट की बात कर रहे हैं जो वाइल्ड हैं, वैसे जो ओनली 16 स्टेट्स में पाए जाते हैं इंडिया में। वैसे तो हर एक स्टेट में एलिफेंट है, बट हम सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स की ही या वाइल्ड एलिफेंट्स की ही बात कर रहे हैं। हमारे इंडिया में जो लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग एलिफेंट्स हैं 30,000 के करीब, 30,711 एलिफेंट्स हैं। और उसके बाद जो न्यू सेंसस आएगा वो 2022 में आएगा। और सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट है हमारे इंडिया में वो है कर्नाटका में, 6,000 के करीब हमारे कर्नाटका में एलिफेंट्स हैं। और उसके बाद फिर कैप्टिव जो मतलब जिनको रखा गया है एलिफेंट्स को, वो हमारे इंडिया में कितने कैप्टिव एलिफेंट्स हैं? 2454, मतलब 2454 जो न्यू सेंसस है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है? एलिफेंट कॉरिडोर होता है, दो फॉरेस्ट हैं उन फॉरेस्ट को आपस में एक रोड कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उसको बोलते हैं एलिफेंट कॉरिडोर। जैसे आप मान लीजिए एक यहाँ पर फॉरेस्ट है और एक यहाँ पर फॉरेस्ट है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है ताकि एलिफेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत ना हो। उस रोड को या उस जगह को कनेक्ट जो चीज़ करती है उसको बोलते हैं एलिफेंट कॉरिडोर। हमारे इंडिया में 138 स्टेट एलिफेंट कॉरिडोर हैं, 28 इंटर स्टेट कॉरिडोर और 17 इंटरनेशनल स्टेट कॉरिडोर। जैसे आपको एक चार्ट में भी दिखाया गया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में 58 नंबर ऑफ कॉरिडोर और एरिया और एलिफेंट पॉपुलेशन 33%, और ईस्ट 54 नंबर ऑफ कॉरिडोर्स और एरिया और परसेंटेज 10%, नॉर्थ में 8 कॉरिडोर और परसेंटेज 4%, और साउथ में 45 कॉरिडोर और 53%। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कॉरिडोर है वो कौन सी स्टेट में है? सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट कॉरिडोर है वो है वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट।
प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट किया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इसमें रेशो होती है, सेंटर कितने परसेंट शेयर देगा, स्टेट कितने परसेंट शेयर देगा, वो रेशो होती है। 90-10 रेशो भी हो सकती है, 60-40 रेशो भी हो सकती है। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो 100% फंडिंग वो सेंटर अलॉट करता है। और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1992 में ये लॉन्च किया गया हमारे जो एलिफेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, टू प्रोटेक्ट एलिफेंट देयर हैबिटाट्स एंड कॉरिडोर। एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनके हैबिटाट को प्रोटेक्ट करना है जहाँ पर वो रहते हैं, और उनके कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करना है। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड करना है, उसको सही करना है, और कैप्टिव एलिफेंट के वेलफेयर के लिए ये प्रोजेक्ट एलिफेंट है। हमारे इंडिया में 16 स्टेट्स हैं। 16 स्टेट्स कौन सी हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल, जहाँ पर एलिफेंट रिजर्व्स हैं। और ये सब कुछ इनको मेंटेन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इनको सपोर्ट वगैरह जो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट्स वगैरह है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रोवाइड करता है। और उसके बाद हम देखेंगे माइक प्रोग्राम या माइक साइट्स क्या हैं। एक कन्वेंशन थी साइट्स, साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसको हम वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोल सकते हैं। इसके तहत एक माइक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 2003 में साउथ एशिया में, जिसके तहत जो इलीगल किलिंग होती है एलिफेंट्स की उनको रोकना है, मतलब एलिफेंट को बचाने के लिए ये माइक प्रोग्राम है। और अलग अलग साइट्स डिक्लेयर की जाती हैं हर एक कंट्री में, माइक साइट्स बोलते हैं। हमारे इंडिया में जो माइक साइट्स हैं जहाँ पर जो इलीगल किलिंग होती है एलिफेंट्स की उनको बचाने के लिए, वो ये 10 साइट्स हैं। आप इनको पढ़ लीजिए पॉज करके। ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, इलीगल हंटिंग ऑफ एलिफेंट्स, ट्रेंड्स, और जो भी इनके जो दांत वगैरह सेल किए जाते हैं उनको रोकने के लिए ये मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हाथी मेरा साथी कंपेन क्या है, ये कंपेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट पार्टनरशिप विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया, और वेलफेयर और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है एलिफेंट के लिए। और ये कंपेन लॉन्च कब किया गया था, जब एलिफेंट 8 मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में 24 मई 2011 को, और उसके तहत ये कंपेन लॉन्च किया गया हाथी मेरे साथी। और उसके बाद एलिफेंट रिजर्व्स ऑफ इंडिया, एलिफेंट रिजर्व, जैसे आपको पहले बोला है हमारे इंडिया में 16 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एलिफेंट रिजर्व्स हैं। जैसे फर्स्ट ईस्ट सेंट्रल लैंडस्केप या साउथ वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व्स हैं, जैसे सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व जो झारखंड में है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा में है, महानदी एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा में है, बंदलकोल एलिफेंट रिजर्व जे छत्तीसगढ़ में है। जे हमारे इंडिया में 28th एलिफेंट रिजर्व है। हमारे इंडिया में टोटल 30 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद हम देखते हैं अरुणाचल और असम में सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व जो असम में है, कमंत एलिफेंट रिजर्व जो अरुणाचल में है, और उसके बाद साउथ अरुणाचल, ये आप पढ़ लीजिए, लिस्ट प्रोवाइड की गई है। जैसे काजीरंगा, करबी एलिफेंट रिजर्व असम में है, और सिंहभम एलिफेंट रिजर्व जो हमारे इंडिया में लास्ट एलिफेंट रिजर्व है, 30th एलिफेंट रिजर्व जो नागालैंड में है। और उसके बाद असम में, वेस्ट बंगाल में, के पूरी लिस्ट प्रोवाइड की गई है, आप पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। जैसे धंधेली एलिफेंट रिजर्व जो 29th एलिफेंट रिजर्व है जो कर्नाटक में है, नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में, और उसके बाद अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में, और उसके बाद उत्तराखंड में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, ये एलिफेंट रिजर्व है। और उसके बाद एलिफेंट रेंज कंट्रीज, जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, टाइगर रेंज कंट्रीज, हमारे वर्ल्ड में 13 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर
टाइगर्स मिलते हैं, वैसे ही एशिया में, एशिया की बात कर रहा हूँ, एशिया में 13 ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर एलिफेंट्स मिलते हैं। एलिफेंट्स मतलब वाइल्ड एलिफेंट्स। जैसे वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लॉस, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। ये टाइगर रेंज, सॉरी, एलिफेंट रेंज कंट्रीज हैं जहां पर वाइल्ड एलिफेंट्स मिलते हैं। आज हम लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया, हमने सबसे पहले देखा एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद एलिफेंट कॉरिडोर क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर एलिफेंट्स हैं, और उसके बाद हमने माइक साइट्स देखी, माइक साइट्स कौन सी हैं, और उसके बाद हमने हाथी मेरा साथी कैंपेन देखा, एलिफेंट रिजर्व, और उसके बाद हमने एलिफेंट रेंज कंट्रीज। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं स्टैटिक जीके के।